नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज में राकेश। और अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा में विधायकों के साथ हुई बदसलूकी का मामला अब तक शांत नहीं हुआ है। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्यपाल को पत्र लिखा, जिसमें तेजस्वी ने पत्र में सरकार की बर्खास्तगी की साथ दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में जब नेशन न्यूज के संवाददाता ने कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर से बात की तो उन्होंने कहा कि सबको मालूम है कि सीएम नीतीश कुमार के इशारे पर ही विधानसभा में विधायकों की पिटाई हुई, यहां तक कि कोर्ट के मामलों में भी सीएम हस्तक्षेप कर रहे हैं। बिहार विपक्षी विधायकों को जिस प्रकार से पीटा चोर की तरह, कभी जूता से, कभी लात से, कभी बूट से, कभी हाथ से, कभी सड़कों पर घसता, इसे लोग माननीय न्यायालय का हर किसी सरकार के सोए रहना ये दर्शाता है कि बिहार की सरकार अब काम नहीं कर रही है। तो जो सरकार काम करे ही नहीं रहे करे उस सरकार को रहने से क्या फायदा, तो ऐसे सरकार को तो बर्खास्त कर ही देना चाहिए ताकि एक बेहतर विकल्प निकल के राज्य को बेहतर सरकार मिले, बेहतर मुख्यमंत्री मिले, बेहतर काम करने वाला। जब भी बिहार में कोई बड़ी घटना घटती है तो लोग आशा करते हैं कि राज्य का मुखिया अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ठीक इसके विपरीत हैं। सूबे में जब भी कोई हादसा होता है तो नीतीश कुमार हमेशा नदारद रहते हैं, यह कहना है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उन्हें बंगले में छिप जाने वाला डरपोक सीएम बताया है। राजपूत कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना मधुबनी हत्याकांड से पीड़ित परिजनों से मुलाकात के लिए मधुबनी रवाना हो गए हैं। इस दौरान पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बिहार सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने इस घटना को नरसंहार बताते हुए कहा कि वे पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने आए हैं। अब बिहार सरकार को तो बहुत छोटा सा ये कांड लग रहा है, बहुत छोटी सी घटना लग रही है, नरसंहार है, पीढ़ी खत्म हो गई है एक परिवार की, रो भी फौजी की, एक रिटायर्ड फौजी जिसने तंबके लगाए अपने देश के लिए, काई को लगाए, क्यों माता खराब है हमारा, दिमाग खराब है हम लोगों का, जो हम लोग तुम्हारे लिए वहां बॉर्डर पे लड़ते हैं और हमें खामियाजा हमारे परिवार को मिलता है, यहाँ पे पूरे घर को खत्म कर दिया गया है। और देवघर के मधुपुर विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। सभी पार्टी इस सीट को हासिल करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में महागठबंधन से जेएमएम प्रत्याशी हफीजुल हसन अंसारी के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस के कई दिग्गज नेता पहुंच चुके हैं। इनमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और वरिष्ठ नेता फुरकान अंसारी शामिल है। आपको बता दें कि रामेश्वर उरांव ने मधुपुर में महागठबंधन की जीत का दावा किया है। दुमका में डरवाते थे, फिरमो में डरवाते थे, और एक महोदय थे ने बोलते कि अब ही सरकार बन जाएगी, यहाँ जीतेंगे सरकार बनी, यूँ कह रहे हैं, सुनते हैं कि हाँ बन जाएगी। ये लोगों को भरम में नहीं फैलाना चाहिए, भरम लोगों के बीच में नहीं फैलाना चाहिए। मैं ये रिक्वेस्ट, डेमोक्रेसी है, अपनी बात कहिए, सरकार का क्रिटिसाइज कीजिए, आलोचना कीजिए, सरकार का आपका अधिकार बनता है। झारखंड में कृषि विभाग के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाने का प्रयास तेज कर दिया गया है। इसे लेकर कृषि मंत्री की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी को निमंत्रण पत्र भी भेजा गया। कृषि मंत्री ने कहा कि शहर का बेटा कृषि पर जोर दे रहा है, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। उन योजनाओं को इस 15 अप्रैल तक उनका संलेख विभाग के द्वारा विभिन्न डायरेक्टर से, डायरेक्टरेट से मांग किया गया है। इस मंथ के एंड में प्राधिकृत जो समिति है उसमें भेजने का निर्देश दिया गया है, और साथ ही अगले महीने कैबिनेट करा के राज्यादेश लेने का निर्णय लिया। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन की एक खेप पटना एयरपोर्ट पहुंची, लेकिन
हैरान कर देने वाली तस्वीर उस वक्त देखने को मिली जब वैक्सीन से लैस वाहन एयरपोर्ट पर ही बंद हो गया, जिसे बाद में कुछ लोगों ने धक्का देकर स्टार्ट किया। वैक्सीन से लैस इस वाहन को धक्का देने के बाद से स्पष्ट हो गया कि राज्य स्वास्थ्य समिति की निष्क्रियता साफ तौर पर देखी जा रही है। वहीं वैक्सीन ले जाने वाले लैब टेक्नीशियन ने कहा कि गाड़ी में एसी की वजह से इस तरह की खराबी आती है। आपको बता दें कि राजधानी सहित कई वैक्सीन सेंटरों पर कोरोना वैक्सीन खत्म होने की सूचना थी, जिसके बाद वैक्सीन की यह खेप पहुंचना राहत वाली बात है। 89689 वायल है, 10 का एक वायल आता है, ये वो भी सील्ड। ऐसे हम ऑथराइज पर्सन नहीं है, नहीं नहीं, फिर भी आप यहाँ पर हैं, कितना फाइल बस इतना लेके हम जा रहे हैं, ये सूचना दे सकते हैं। 89689 वायल लेके जा रहे हैं। कहाँ कहाँ पहुँचाइएगा इसको? कोरोना का कहर लगातार जारी है। जमशेदपुर में एक महिला ने MGM अस्पताल में यहाँ पर इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं पोटका में पदस्थापित लेडी डॉक्टर और उनके पति भी संक्रमित पाए गए। इसके बाद पोटका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 24 घंटे के लिए सील कर दिया गया। आपको बता दें कि लेडी डॉक्टर और उनके पति ने कुछ दिन पहले ही वैक्सीन ली थी। दोनों को घर पर आइसोलेट कर दिया गया था। वो तो ड्यूटी में थी, वो और ड्यूटी के दौरान ही पता चला कि उसको पॉजिटिव हो गया है। उनको एहसास भी नहीं हुआ कि पॉजिटिव हो सकती है। वो अभी भी बोल रही है कि मेरा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिम्टोमेटिक है। तो एनीवे जब पॉजिटिव आ गया मतलब पॉजिटिव है। तो हॉस्पिटल को अभी सील कर दिया गया है 24 घंटा के लिए, सैनिटाइज करके फिर कल 9 बजे खुलेंगे। अभी सारी चीज इमरजेंसी OPD अभी बंद कर दिया। राजधानी पटना में लगातार कोरोना का मामला बढ़ ही रहा है। बीते दिन पटना में कोरोना के कुल 743 नए केस आए। इसके साथ ही पटना जिले में अब माइक्रो कंटेनमेंट जोन बढ़कर 207 हो गए। जिले के 6 अनुमंडलों की बात करें तो सबसे ज्यादा माइक्रो कंटेनमेंट जोन पटना सदर में 118 है। पटना के गर्दनीबाग हॉस्पिटल में लोगों को कोरोना की वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। इससे वैक्सीन लेने आए लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। इस मामले पर अस्पताल के कर्मचारी बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। यहां वैक्सीन लेने आए लोगों से बात की हमारे संवाददाता राजीव ने। कोरोना वैक्सीन को लेकर लाख केंद्र सरकार या बिहार सरकार दावे करती है कि हम वैक्सीन पूरी तरीके से उपलब्ध है, लेकिन आपको गर्दनीबाग के एक अस्पताल, सरकारी अस्पताल में हम आए हुए हैं जहां आज वैक्सीन नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि ये वैक्सीन जिला वैक्सीन भंडार का पटना, जहां आपको एक बड़ा सा ताला दिख रहा है जो लगाया गया है, इसमें आप वैक्सीन रखा जाता है, जैसे फ्रीजर है उसमें वैक्सीन को प्रॉपर तरीके से, लेकिन ये बंद है। बंद होने का मतलब आप जान सकते हैं कि बंद क्यों है, क्योंकि आज वैक्सीन नहीं मिल रहा। वहीं आप अस्पताल जहां वैक्सीन दिलाता है, आप देख सकते हैं कि वहां लिखा हुआ है चिपकाए और पर्ची जैसे कह सकते हैं कि आज COVID-19 वैक्सीन नहीं होगा। देख रहे हैं एक तरीके से अस्पताल जहां यहां वैक्सीन दिलाता है, अंदर सन्नाटा जैसे पसरा हुआ है, अंदर कोई भी नहीं है, लोग बैठे हुए हैं, एक महिला बैठी हुई है वैक्सीन दिलाने की आशा में, हो सकता है दिलाया जाए, लेकिन कहीं लगता नहीं है कि वैक्सीन दिला पाएगा, क्योंकि यहाँ लोग खड़े भी हैं और सोच रहे हैं कि अब वैक्सीन लगेगा, लेकिन आने के बाद उनको निराशा हाथ लगी है। उनके अस्पताल में कोई कहने पर ये नहीं हो रहा है कि आज वैक्सीन क्यों नहीं लगेगी, क्या मतलब, क्या वजह क्या है कि नहीं है। लोग बहुत इधर उधर भटक रहे हैं और सोच रहे हैं कब वैक्सीन लगेगी। देखिए ऐसे भीड़ आपको दिखाई दे रही है, इसी आशा की वजह से कि वैक्सीन मिलेगी कि नहीं। हमारे साथ कुछ लोग आए, उनसे बात करते हैं। वैक्सीन मिला नहीं, क्या कह रहे हैं यहाँ के लोग? कोई कुछ नहीं कह रहे हैं, यहाँ तो कोई है नहीं, बंद है। देखिए लगा हुआ है कि वैक्सीन नहीं होगा। कब होगा, क्या होगा, कुछ पता नहीं। लेकिन सरकार तो कहती है कि वैक्सीन, सरकार देख लिया, कौन कह रही है, हमें नीतीश कुमार मिले तो जमीन पे देखिए सरकार कहाँ है। आइए आइए, नीतीश कुमार है, यहाँ के स्टाफ कहते हैं नहीं, दवाई नहीं है। तीसरी बार आ रहे हैं आज, तीसरी बार ये देखिए सर, रजिस्ट्रेशन करा के आए हुए हैं। तो क्या कहा गया आपसे? उसमें बोला गया कि आज नहीं होगा, आज नहीं होगा, आज नहीं होगा, वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं है, ऊपर से आदेश है। कब तक आएगा उसका कुछ? बोले कि सोमवार के पहले कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। हम लोग ऑफिस से छुट्टी लेकर के आए, आज कौन देगा पैसा?
तो कहीं ना कहीं यहाँ अस्पताल में लापरवाही है एक तरीके से, मान के चले कि आप कहीं स्टाफ नहीं है कहीं, तो कोई कोई और बात करें, लोग बहुत परेशान है। अब आगे देखना होगा कि वैक्सीन कब तक और कब तक सरकार देती है और यहाँ मिलती। कैमरामैन अमित के साथ मैं पटना से राजीव कमल। और खबरों का सिलसिला यहाँ पर जारी है, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।